देश के 29वें राज्य के गठन का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन जिस तरह से ये बिल पास हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर बंद दरवाजों के पीछे लोकसभा ने तेलंगाना के बिल को पास क्यों किया? लोकसभा में आज तक सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण रोका नहीं गया, लेकिन आज ऐसा क्यों करना पड़ गया? विपक्ष ने इसे सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की साजिश करार दी है। न कैमरा चला, न हंगामा दिखा, न तमाशा हुआ और बंद दरवाजों के पीछे तेलंगाना बन गया। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के शासन में से, जनता से ही छुपाकर जनता के बीच बंटवारा कर दिया गया। एक ऐसा बंटवारा जिसके निशान लोकतंत्र के चेहरे पर बरसों तक याद किए जाएंगे। इस तरह का बंटवारा मैंने नहीं देखा, न इस तरह का पार्लियामेंट में एक सूबे को बांटने का ऐसा नजारा देखा नहीं। वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। सब चीजें बंद करके कोई जनता न जान पाए, आंधा की जनता न जान पाए, और ये बंद करके जो हमारी आवाज जाती पूरे देश में जनता के बीच, उसको भी रोका गया। इससे पहले कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। द लोकसभा लाइव टेलीकास्ट वॉज कट ऑफ, द डोर्स वर क्लोज्ड। तेलंगाना पर बंद दरवाजे में हुए फैसले पर जब सरकार से पूछा गया तो गृह मंत्री कहते हैं ऐसा होता रहता है। देखिए, जब कहीं कहीं ऐसे वक्त सिचुएशन होती है, मैं तो 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, महाराष्ट्र में भी मैंने कहा है, या ऐसी चीजें होते रहती है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने फैसले का सारा ठीकरा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पर फोड़ दिया। I'm not answerable for what the speaker inside the Lok Sabha jurisdiction is of the speaker decides. शायद इसका जवाब भी बंद दरवाजों के पीछे ही दफन होकर रह जाएगा।